माफिया मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसकी मौत पर सियासत अब भी जारी है, क्योंकि बारी बारी से मुस्लिम वोट बैंक के खातिर सियासतदान मुख्तार के घर बिरयानी खाने और हमदर्दी जताने पहुंच रहे हैं। गाजीपुर का यूसुफपुर फाटक सियासत की चौखट का एपिसेंटर बन चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी हमदर्दी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। कोई मुख्तार के घर बिरयानी खा चुका है तो कोई हाथ जोड़े सियासी मरहम लगा रहा है और दहशत के बाद उस गम को भुनाना चाहता है जो मुख्तार के जनाजे में दिखी। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं। भावनाओं के ज्वार में सियासी उबाल लाने की कोशिश की जा रही है और सहूलियत के हिसाब से सियासी बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। जिस मुख्तार के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उस मुख्तार को डॉन से राजनेता बनाने में भी इन्हीं का सियासी सहयोग है। माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार वो 1996 में बीएसपी से विधायक बना, दूसरी बार निर्दलीय लड़ा और विधायक बना, तीसरी बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता, चौथी बार नई पार्टी बनाई और विधायक बना, पांचवी बार पार्टी का सपा में विलय कर दिया। मुख्तार अंसारी पांच बार लगातार चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2022 में कानूनी दांव पेच में उलझ गया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव में उसका दखल रहा है और बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक उसको सिर आंखों पर बिठाई रही। और अब जब मुख्तार की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है तो सियासी बयानबीर मुख्तार के नाम पर सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। कमल की आधी है, मोदी जी की आधी है, सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में 14 में, अब सपा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। ये सपा ऐसी पार्टी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, कुछ का साथ कुछ का विकास करती है। भाजपा की राजनीति और राजनीति है सबका साथ सबका विकास सबको सम्मान सबको। माफिया मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके पीछे कुछ रह गई है तो वो है पूर्वांचल की सियासत, जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल भुनाने की कोशिश में है। और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव मुख्तार के घर हमदर्दी जताने पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कुशीनगर के छपरा गांव में पुराने घर को तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जर्जर मकान तोड़ने के दौरान छत अचानक से गिर गई, जिसके नीचे पिता और उसके दो बेटे दब गए। स्थानीय लोगों ने मलबे से तीनों को बाहर निकाला, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आधा टूट गया था तो कह रहे हैं लोग किसी दिन खतरा हो जाएगा, गिर जाएगा, तभी कह भी रहे थे लोग खतरा हो जाएगा, गिर जाएगा।
तो क्या हुआ कि जाकर देखने लगे लोग कि देखा जाए कैसे इसे तोड़ा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तीनों लोग वहीं थे तब तक अचानक टूट के छत गिर गया। कितने लोग उसमें? तीन थे, तीन, एक बाबा थे, चाचा थे और बड़े पापा थे। तो किसी की मौत भी हुई है इसमें? हाँ, बड़े पापा को मौत हुआ है, दो लोग घायल हैं। वो लोग तो दोनों लोग जिला पर ही वहाँ पे भर्ती हैं ब्लॉक से। अमेठी में 24 फरवरी को हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से घायल हुए दोनों चचेरे भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये दोनों भाई मौत के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल देखने को मिला। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बीते 24 फरवरी को छत पर खेलने के दौरान लोहे की रेलिंग में करंट आने से दो नाबालिग चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज भी भर्ती करवाया गया था और दोनों नाबालिग भाई जिंदगी की जंग हार गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।